हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पांच ऐसे लक्षण के बारे में बताएंगे जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपकी आत्मा कितने बार जन्म ले चुकी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी आत्मा पहले भी किसी और शरीर के रूप में जन्म ले चुकी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको पांच ऐसे लक्षण बताएंगे जो ये साबित करेंगे कि आपकी आत्मा पहले भी जन्म ले चुकी है या पहली बार किसी शरीर को धारण किया है। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं और आदत जुड़ी होती हैं जिनका आपके सामान्य जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। आप और आपके साथ के लोग भी इन बातों पर हैरानी जताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ ये रहस्य हो सकता है। दोस्तों, आत्मा और पूर्व जन्म की बातें आज भी रहस्य हैं। कुछ लोग इन बातों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। एक बार के लिए यकीन कर भी लिया जाए कि पूर्व जन्म होता है तो दोस्तों आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी आत्मा ने पहली बार जन्म लिया है या इसके पहले भी वे जन्म ले चुकी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन पांच लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण, अनजाना डर सताना। दोस्तों, अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लगता हो लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका आपके वास्तविक जीवन से कोई नाता ना हो, जैसे आप ऊंचाई से, पानी से, आग से डरते हो लेकिन आपके जीवन में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई हो जिससे कि आपको इन सब से डर लगना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा लक्षण आपके पूर्व जन्म के किसी घटना की ओर संकेत करता है। दूसरा लक्षण, एक ही सपना बार बार आना। दोस्तों, अक्सर आपको एक ही सपना बार बार आता है तो इसका नाता आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसे सपनों में दिखने वाले लोग आपको जाने पहचाने लगते हैं पर आपको याद नहीं आता कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। दोस्तों, हो सकता है ये आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। हो सकता है उस जन्म में आपके वे सहयोगी रहे हों, वो आपके शायद पड़ोसी या फिर आपका कोई दोस्त जिससे कि आपका बहुत ही करीबी संबंध रहा हो, इसी कारण ये सपने आपको बार बार आते हैं और ये आपके इससे पहले लिए हुए जन्म का संकेत है। तीसरा लक्षण, पहली मुलाकात में किसी से अपनापन होना। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसे हम बहुत पहले से जानते हों। एक अजीब सा अपनापन आपको उसके लिए महसूस होने लगता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी अजनबी के लिए आपको इतना प्यार आ रहा है या आप उसको अपने बड़ा करीब महसूस कर रहे हो। वास्तव में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्म में आप उस व्यक्ति के साथ किसी अच्छे संबंध में रहे होंगे। चौथा लक्षण, किसी चीज के पीछे खास दीवानगी। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के लिए खास भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, जैसे कि अनाथ बच्चों, बूढ़ों, बड़ों, अपाहिजों के पीछे कुछ खास दया हो, आपके न चाहते हुए भी उन्हें देखते ही दिल में बेहद दया और सहानुभूति महसूस करते हों और आपके मन में उनके लिए कुछ करने का जज्बा जागता हो, तो इसका अर्थ है आप पूर्व जन्म में ऐसी किसी परिस्थिति से जुड़े रहे होंगे। संभव है कि पूर्व के जन्म में आप इन परिस्थितियों से जूझते रहे होंगे। इसका साफ मतलब ये है कि आप इससे पहले भी जन्म ले चुके हैं। पांचवा लक्षण, पूर्वाभास। दोस्तों, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ बुरा होने से पहले ही इस बात का उन्हें एहसास होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वे उस अनहोनी के होने के डर से डरते रहते हैं। आप इसे अपने मन का वहम या बेकार की चीज़ भी नहीं कह सकते हो क्योंकि अक्सर वह बात सही साबित हो जाती है।
दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्राण आत्मा है जो इसके पहले कई जन्म ले चुकी है, इसलिए वे अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान में होने वाले घटनाक्रम के साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी भांप लेती है। हालांकि आपके पूर्व जन्म से जुड़े इन एहसासों का आपके इस जीवन से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन हाँ दोस्तों, इतना जरूर है, यह ये संकेत देता है कि पूर्व जन्म में जिस प्रकार आपकी आत्मा बार बार जन्म लेती रही है, उसी प्रकार आप आगे भी जन्म लेते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।